मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हमारा स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं। तकरीबन 22,000 दिन पहले एक शुक्रवार हिंदुस्तान में आया तो बड़ा मामूली तरीके से था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता पिछले 16 बरस से इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इस इंतज़ार के 16 बरसों में युवा प्रौढ़ हो गए थे। शीशों में यौवन की पहली झलकी देखने वाली बालाएं अब घर बसा चुकी थी। कुछ अजन्मे अब मैट्रिक के इम्तिहान पास कर चुके थे। कई बुज़ुर्ग अनमना इंतज़ार करके मुल्क के अदम की राह पर भी निकल चुके थे। ये शुक्रवार हिंदुस्तान और चीन की जंग के महज 2 साल पहले आया था, जिसकी अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा निराश होने से बस 2 बरस के फासले पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐ दूरदर्शी होने का ताना भी अभी दिया नहीं गया था, वो छींटाकशी भी अपने सफ़र पर थी। अक्साई चीन उस वक्त 100% हमारा था, पर आज की तरफ सिर्फ नक्शे में नहीं। ये 5 अगस्त 1960 का शुक्रवार था। देश की सड़कों पर, सिनेमा घरों के सामने 2-2 मील की इंसानी कतारें धक्कमपेल करती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सड़कों पर गद्दे, कंबल, चटाइयाँ पड़ी थी, उन पर ऊँघते हुए लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मराठा मंदिर सिनेमा में टिकट के 2 काउंटर उस वक्त हुआ करते थे। एक खिड़की पर भारतीय दर्शक टिकट ले पाते थे और दूसरी पर विदेशी पर्यटक। ये अनुशासन आज टूट गया था। देशी और विदेशी दर्शक आमने सामने हो गए थे। लोग घरों से खाने पीने का सामान और बिस्तर यहीं ले आए थे और वहीं जम गए थे। आज मुग़ल-ए-आज़म रिलीज़ हुई थी। पूरे देश के सिनेमाघरों के बाहर यही झांकियां थी। सच कहें तो जो फिल्म आज रिलीज़ हुई थी वो फिल्म नहीं, 16 बरस और उसे सोचे जाने का बेमिसाल इंसानी जुनून था। वो जुनून जिसके माथे पर सवार होकर यहाँ पहुँचा था, उसका नाम था डायरेक्टर करीमुद्दीन नासिफ। ऐसा सिनेमाई जुनून जो ना उससे पहले देखा गया, ना ही पूरी दुनिया उसके बाद इस तरह के जुनून को देख पाई। आज मुकम्मल हुए जुनून की नुमाइश थी। ये फिल्म तो टिकट खिड़की से ही गैर मामूली हो चुकी थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मदन कोठारी ने कि आसिफ से कहा था कि इस फिल्म की टिकट भी इस फिल्म की तरह ही अजीमो शान होनी चाहिए। और निर्देशक के आसिफ ने पहली बार ऐसी टिकटें छपवाई जिन पर पहली बार फिल्म का पोस्टर भी छपा। 85,000 रुपये सिर्फ टिकटों की छपाई में खर्च कर दिए गए, जो आज 25 लाख रुपये के बराबर हैं। इस सिनेमाई करिश्मे ने सन 1944 में अपना पहला कदम इस ज़मीन पर रखा, पर यह उतना सच नहीं है जैसे इसे कहा जाता है। इस फिल्म का जन्म दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में 14 जून 1922 को उस शख्स के साथ ही हुआ जिसका नाम था करीमुद्दीन आसिफ। उस शख्स जो शायद ये फिल्म बनाने ही ज़मीन पर आया था। कि आसिफ अपने वालिदैन के घर मुफलसी के उस दौर में पैदा हुए थे जिसने उन्हें बचपन से लेकर जवानी तक गुर्बत में ही रखा, और हैरान कर देने वाले इंसानी जुनून के मालिक कि आसिफ को दौलत कमानी भी नहीं थी। गरीबी की वजह से स्कूल की सिर्फ 8 जमात ही वो पास कर पाए और फिर काम की तलाश में बम्बई पहुँचे। आसिफ के मामा की उस वक्त दर्जी की एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ आसिफ भी कपड़े सिलने का काम करने लगे। आसिफ और उनके मामा फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स भी सिला करते थे। यहीं से आसिफ पर वो धुन सवार होने लगी जिसके लिए ही संभवतः वो पैदा हुए थे। कि आसिफ धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में लोगों से अपनी पहचान बना रहे थे, पर डायरेक्टर बनने के लिए उनकी तालीम और हैसियत उस वक्त तक नाकाफी थी। पर इस बात की भी तारीख गवाह है कि हौसलों के सामने हैसियत कमतर साबित होती है। इस फिल्म की कहानी कहते वक्त लोग कि आसिफ को सीधे दर्जी की दुकान से निकालकर उन्हें फिल्म निर्देशक बनाते हैं, लेकिन 8 जमात पढ़ा दर्जी सीधे निर्देशक बन जाए, इसका वो जवाब नहीं दे पाते। दरअसल आसिफ के अंदर जुनून के साथ एक और भी चीज़ थी। किसी भी चीज़ की डिटेलिंग करने का हुनर, यानी महीन और बारीक चीज़ों को भी पकड़ लेने और उन्हें समझाने का हुनर उनमें था, जिसे
अटेंशन टू डिटेल कहा जाता है। 1945 की फिल्म फूल ने मुगले आजम की जमीन तैयार कर दी थी। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर थे के अब्दुल्ला, जो कि के आसिफ की डिटेलिंग से उनसे मिलते मिलते प्रभावित हो गए थे। एक और बात इस फिल्म में ये थी कि मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर और इसी फिल्म में जोधाबाई का किरदार निभाने वाली दुर्गा खोटे भी थी। के अब्दुल्ला ने के आसिफ पर भरोसा करके फिल्म फूल का निर्देशन उन्हें सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक बनने वाले आसिफ पर ये दांव खेला था। सच कहें तो ये जोखिम के आसिफ का मुकद्दर था। फिल्म सुपरहिट रही और के आसिफ पर एक सफल निर्देशक का तमगा लग गया। शायद किस्मत ने जानबूझकर उनसे ये फिल्म करवाई थी ताकि उनकी सफलता की वजह से उन पर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा जोखिम लिया जा सके। वो जोखिम लिया भी गया और के आसिफ ने वो शाहकार बनाया जिसे मुगले आजम कहा जाता है। मुगले आजम फिल्म से ज़्यादा जुनून की हद लांघने की कहानी है, जो यहीं से और सिर्फ यहीं से कहना शुरू की जा सकती है। दरअसल मुगले आजम तारीफ से ऊपर उठी हुई एकमात्र ऐसी फिल्म है जो एक मुग़ल शहजादे और एक कनीज के बीच की मोहब्बत की कहानी है, जिसमें अकबर पिता और शहनशाह के बीच की उधेड़ बुन पर मुग़लों के न्याय और उसूलों के वकार पर मर मिटने वाले मुगले आजम हैं। फिल्म में शहनशाह के अंदर का पिता अपने ही शहनशाह हो जाने से हारता है। ये भी अजीब और दिलचस्प बात है कि इतिहास में अनारकली का अस्तित्व इतिहासकार मानते ही नहीं हैं, जिसका इश्क कभी सलीम से हुआ। जिस बरस के आसिफ पैदा हुए यानी 1922 में, उसी बरस लाहौर के मशहूर नाटककार इम्तियाज अली ने एक नाटक लिखा। इसका नाम था अनारकली। दरअसल लाहौर में एक बाजार है जिसे अनारकली का बाजार भी कहा जाता है। उसी बाजार से गुजरकर राहगीर एक मजार तक पहुंच जाते हैं जिसे अनारकली की मजार कहा जाता है। 1922 में इम्तियाज अली ने नाटक लिखा। उसी बरस 1922 में ही के आसिफ पैदा हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि एक ने अनारकली का पहला दस्तावेज तैयार किया और दूसरे ने इसे फिल्मी पर्दे पर उतारा। इस बात का कोई दस्तावेज या जानकारी किसी को नहीं है कि इसी नाटक को पढ़कर शायद के आसिफ ने ख्वाब सी दिखने वाली इस अजीमोशान फिल्म को बनाया। 1944 में के आसिफ को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक प्रोड्यूसर मिल गए। नाम था शहराज अली। शहराज अली ने फिल्म मुगले आजम में पैसा लगाने का मन बना लिया। फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। के आसिफ ने उस दौर के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन, नरगिस और सपरू को कास्ट किया। फिल्म शुरू हो पाती उससे पहले फिल्म के लीड एक्टर चंद्रमोहन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और फिल्म वहीं 3 बरस रुक गई। 1947 के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर शहराज अली विभाजन के वक्त पाकिस्तान जाकर बस गए और फिल्म को प्रोड्यूस करने से पीछे हट गए। पर के आसिफ के इरादों को बदल पाना नामुमकिन था। शहराज अली समझ गए थे कि जैसे फिल्म के आसिफ बनाना चाहते हैं उसे वो फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 10 लाख रुपए में बड़ी से बड़ी फिल्म बन जाया करती थी और के आसिफ इसमें पैसे को पानी की तरह बहाना चाहते थे, और वो भी उस जमाने में जब लाखों रुपए अहम हुआ करते थे, उस वक्त वो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते थे। शहराज अली आसिफ का जुनून जानते थे। उन्होंने के आसिफ को मशवरा दिया कि वो बिजनेसमैन शाहपुर जी पलोन जी मिस्त्री को किसी तरह से मना ले। लेकिन एक दिक्कत थी, शाहपुर जी पलोन जी मिस्त्री फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। आसिफ उनसे मिले, उन्हें कहानी सुनाई और उनका वही हुनर अटेंशन टू डिटेल काम कर गया और शाहपुर जी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। इस बात में आसिफ की मदद खुद उनके अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर ने पर्दे के पीछे रहकर की। दरअसल 1945 की फिल्म फूल में पृथ्वीराज कपूर के आसिफ के निर्देशन में काम भी कर चुके थे। ऐसे में वो उनके हुनर से बेतहाशा प्रभावित थे। उन्होंने भी शाहपुर जी से कहा कि आपके जैसा बड़ा बिजनेसमैन ही इस पागल आदमी को फाइनेंस कर सकता है। पता नहीं कितने समय और कितने सालों में ये आदमी इस फिल्म को बनाएगा, पर फिल्म हिंदी सिनेमा के नज़रिए को ही बदल देगी। शाहपुर जी ने देश के सबसे जुनूनी सबसे पागल निर्देशक के आसिफ की फिल्म पर पैसा लगाने की हामी भर दी। फिल्म की रिकास्टिंग हुई
और सबसे पहले अकबर की कास्टिंग हुई, जिसमें पृथ्वीराज कपूर को चुना गया। भारी भरकम आवाज और स्वर पेटियों को लयबद्ध तोड़कर निकल जाने वाले डायलॉग्स में पिरोई हुई ये आवाज अकबर की आवाज बन गई और पृथ्वीराज कपूर का चेहरा अकबर का चेहरा बन गया। दुनिया का कोई भी शख्स किसी दूसरे के चेहरे और आवाज में अकबर की कल्पना नहीं कर पाएगा और शायद ही कोई फिल्मकार ऐसा करने की जरूरत करे, क्योंकि ये पर्वत पर बने मंदिर की सीढ़ियां हैं जिसके हर सोपान पर शैवाल जमे हैं, हर सीढ़ी पर फिसलन है। पृथ्वीराज कपूर पर्वत पर पहुंचे, उसके बाद बरसात कभी थमी नहीं। ये करीब करीब नामुमकिन है कि कोई दूसरा अभिनेता वो किरदार अपनी एक्टिंग से उनके समानांतर खड़ा कर दे। के आसिफ के अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तानी शहर लायलपुर की तहसील समंदरी में पैदा हुए थे। 3 बरस की उम्र में मां को खो देने वाले पृथ्वीराज कपूर को पिता की सरपरस्ती से दुनिया भर के सभी पुरुषों में बाप होने का सख्त मिजाज मिला। उन्हें मां की मुलायमियत नहीं मिली थी। एडवर्ड कॉलेज लाहौर से निकले बैचलर पृथ्वीराज कपूर एक सख्त पिता का किरदार निभाने जा रहे थे, जो भारतीय सिने जगत का अव्वल किरदार माना जाता रहेगा। पृथ्वीराज कपूर भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो 1931 में आई थी, उसमें 24 बरस की उम्र में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सारे किरदार निभा कर यहाँ पहुँचे थे और के आसिफ की निगाहें उन पर आकर अटक गई थी। अकबर के किरदार के लिए साइन किए जाने पर के आसिफ कॉन्ट्रैक्ट लेकर पृथ्वीराज कपूर से मिले और उन्हें कोरा चेक थमा दिया। बोले, दीवान जी बताइए कुल कितनी रकम लिख दूँ। पृथ्वीराज कपूर ने जवाब देते हुए कहा कि क्या तुम नहीं जानते। के आसिफ ने जवाब दिया, दीवान जी जानता तो फिर पूछता नहीं। 75,000 रुपये फीस तय हुई, लेकिन के आसिफ पृथ्वीराज कपूर को एडवांस रकम देना चाहते थे। एडवांस रकम लिखने की बात पर पृथ्वीराज कपूर ने महज 1 रुपया लिया। के आसिफ वो डायरेक्टर जो पत्थर की तरह सख्त था, जो दिलीप कुमार को भी गरिया दिया करता था, पहली बार आज भावुक था। पृथ्वीराज कपूर ने के आसिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आसिफ मैं इंसानों के साथ काम करता हूँ, व्यापारियों के साथ नहीं। मुगले आजम को अपना ही हमनाम किरदार, जिसे हम अकबर कहते हैं, वो मिल चुका था। अब बारी थी सलीम और अनारकली के किरदार को निभाने वाले जोड़े की। मलिकाए हुस्न मधुबाला अनारकली चुन ली गई और मेथड एक्टिंग के शहनशाह दिलीप कुमार सलीम बने। इन दोनों की नज़दीकियों के किस्से उन दिनों आम भी थे। राजा मान सिंह का किरदार कौन निभाए, इसको लेकर अभी भी के आसिफ बेचैन थे। दिलीप कुमार के एक दोस्त जो पेशावर में उन दिनों रहा करते थे, उनका नाम था मीर ताज मोहम्मद। मीर ताज मोहम्मद बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक थे और उन दिनों वकालत किया करते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में भी वो सक्रिय रह चुके थे। पेशावर से मीर ताज मोहम्मद दिल्ली आ गए थे और दिलीप कुमार से मिलने उनके बम्बई स्थित आवास पर पहुंचे। दिलीप कुमार के घर पर वो के आसिफ से भी मिले और के आसिफ ने उन्हें पहली बार देखकर ही उनको राजा मान सिंह का किरदार निभाने का प्रस्ताव दे दिया। पर मीर ताज मोहम्मद ने फिल्मों में काम नहीं करने और उन्हें नौटंकी कहकर उस वक्त इनकार कर दिया। के आसिफ इस बात से बड़े खफा हुए और फिर ये रोल मुराद को दे दिया गया। मीर ताज मोहम्मद के बेटे आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, उसी फिल्म उद्योग में, शाहरुख खान के नाम से जाने जाते हैं, जिसे कभी शाहरुख के पिता ने नौटंकी कहकर नकार दिया था। के आसिफ ने फिल्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की जैसे कसम खा रखी थी। फिल्म के गानों की बात करें तो वैसे गाने वो बनाना चाहते थे जो इस कहानी के साथ 100% न्याय कर सके। आसिफ बगावती तेवर के वो गाने चाहते थे जो पटकथा के अनुरूप लोगों में इस फिल्म के तिलिस्म को, इसके गानों के तिलिस्म को उन लोगों के बीच हकीकत मानने पर मजबूर कर दे। गाने लिखने के लिए शकील बदायूनी को बुलाया गया। शकील बदायूनी को के आसिफ की जुनूनियत का एहसास था। वो जानते थे कि एक लाइन भी के आसिफ को पसंद नहीं आई तो वो उनसे 10 साल तक गाने लिखवा सकते हैं और शकील बदायूनी ने इस जिम्मेदारी से बारीकी से वो गीत लिखे जैसे संगतराश संगमरमर पर नक्काशी करता है। शकील साहब ने वो गीत लिखे जो हिंदी सिनेमा के आखिरी दिन तक अपनी रूहानियत, भाव, आवाज़ और लिखावट से सबको मदहोश करते रहेंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर थे के आसिफ जैसे ही एक जुनूनी
नौशाद साहब कि आसिफ और नौशाद साहब ने मिलकर फिल्म के 20 गाने बनाए। सबकी शूटिंग भी हुई पर फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से फाइनल एडिट में कई गाने फिल्म से हटा दिए गए। फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या जो युगों युगों तक नहीं फीका पड़ सकेगा। इस गाने को लिखने में ही शकील बदायूनी और नौशाद साहब को पूरी रात लग गई। लेकिन वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। उसी जमाने की मशहूर फिल्म अनारकली भी बगल में शूट हो रही थी और उसकी कहानी भी कुछ हद तक ऐतिहासिक परिदृश्य में ऐसी ही होने वाली थी जैसी मुगले आजम थी। नौशाद साहब बोले कि दोनों फिल्मों में काफ़ी हद तक समानता है। उसका एक गाना रिकॉर्ड हुआ है जो मैं सुन चुका हूँ। अगर हमारा गाना भी उसी के जैसा होगा तो ये नकल जैसा लगेगा। क्यों नहीं कि हम हमारे गाने की सिचुएशन बदले। कि आसिफ ने नौशाद साहब की बात मान ली, काम फिर से शुरू हुआ। कि आसिफ ने सीन की सिचुएशन बदली। शाम होते ही शकील बदायूनी एक कालजयी गाने को लिखने के लिए कलम कागज लेकर खुद को अपने राइटिंग रूम में बंद कर लेते हैं। उनके साथ नौशाद साहब भी मौजूद थे। गाना लिखने में हर चीज़ को आजमाया गया, गज़ल, नज्म, सब कुछ। शकील बदायूनी ने 12 से ज़्यादा मुखड़े लिखे, लेकिन उससे पहले बार बार लिखकर फाड़ी गई पर्चियों से कमरे में कागजों का अंबार लग गया। नौशाद साहब को भी एक गीत याद आया जो उन्होंने अपने बचपन में सुना था। ये एक पूर्वी गीत था जिसका मुखड़ा था प्रेम किया का चोरी करी। शकील साहब ने इस गाने को बहुत पसंद किया और उसे अपनी लेखनी में जादुई अंदाज से लिखा। वो शब्द अब शकील बदायूनी की कलम से निकलने लगे। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। गाना खत्म हुआ तो सवेरा हो चुका था, पर अब इस गाने की शाम कभी नहीं होगी। फिल्म में एक ठुमरी भी है। कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है। महारानी जोधा के सामने एक गीत को परफॉर्म किए जाने का एक सीक्वेंस है। यकीन मानिए कि आप मधुबाला के डांस और गीत की मधुरता को पूरे जीवन नहीं भुला पाएंगे। गीत है मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गाने का भी एक किस्सा है। मधुबाला क्लासिकल डांस में माहिर अदाकारा नहीं थी, इसलिए उनके डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए भारत के सबसे बड़े नृतक या यूं कहें कि सबसे बड़े डांसर लच्छू महाराज को बुलाया गया। लच्छू महाराज ने सबसे पहले लता जी की आवाज़ में गाई ये ठुमरी सुनने की इच्छा जाहिर की और ठुमरी मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे सुनते वक्त लच्छू महाराज रोने लगे। कि आसिफ ने नौशाद साहब को पूछा आखिर ये क्या माजरा है, तो नौशाद साहब ने आसिफ को बताया कि लच्छू महाराज के पिता वाजिद अली शाह के दरबार में थे और ये अस्थाई उन्हीं की है। मतलब ये हुआ कि लच्छू महाराज के पिताजी की ठुमरी मैंने हमारी फिल्म में काम ली है। अब बारी थी मधुबाला के नृत्य की। लच्छू महाराज ने मधुबाला को कत्थक सिखाया और मधुबाला का डांस अमर हो गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि मुगलिया काल में ठुमरी अस्तित्व में ही नहीं आई थी, लेकिन के आसिफ और नौशाद साहब ने दर्शकों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये उसी दौर का गीत है। दरअसल ठुमरी को वाजिद अली शाह ने ही मशहूर किया था और ये 19वीं सदी का काल था। ऐसा नहीं था कि ये गाने संगीत नृत्य और अपने बोल की वजह से ही खास थे, बल्कि प्यार किया तो डरना क्या में नौशाद साहब को गाने में गूंज चाहिए थी और उस जमाने में इको इफेक्ट नहीं हुआ करते थे। तो लता मंगेशकर जी को ये गीत बहुत बार ओवरलैप करके गाना पड़ा। दरअसल लोग ये मानते रहे कि लता ने ये गाना इको की वजह से बाथरूम में गाया था, लेकिन खुद लता जी ने ये स्वीकार किया कि ये गाना बाथरूम में उन्होंने नहीं गाया था, बल्कि उन्होंने इस गाने में कई पंक्तियों को कई कई बार ओवरलैप करके गाया था। आसिफ चाहते थे कि वो फिल्म में तानसेन को भी गाता हुआ दिखाएं, क्योंकि तानसेन अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और इससे फिल्म और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी। कि आसिफ ने पूछा कि गाना तो होगा लेकिन गाएगा कौन नौशाद जी। नौशाद साहब ने कहा बड़े गुलाम अली खान ही तानसेन की आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन वो फिल्म के लिए गीत नहीं गाते। कि आसिफ ने कहा नौशाद साहब आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा, आप तो उनसे बात करो। नौशाद साहब बड़े गुलाम अली खान से मिले और कहा कि आसिफ एक पागल डायरेक्टर है, उन्होंने जिद पाल ली है कि तानसेन की आवाज़ में आप ही उनकी फिल्म में मुगले आजम के गीत गाएंगे, जैसा कि होना था। बड़े गुलाम अली खान साहब ने गाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आसिफ नहीं माने और कहा कि गाना तो आप ही को गाना पड़ेगा।
नौशाद को एक तरफ ले जाकर बड़े गुलाम अली साहब ने कहा, ये क्या पागल आदमी है, मैंने मना कर दिया फिर भी ये मान नहीं रहा, मैं इससे इतने पैसे मांग लूँगा कि कभी दोबारा मुझसे गंवाने का ये नहीं सोच पाएंगे। खान साहब ने कि आसिफ से कहा कि वो 25,000 रुपये फीस लेंगे और आसिफ जवाब में कहते हैं कि ये बहुत ही कम फीस है, आप तो इससे ज़्यादा के हकदार हैं। इस तरह बड़े गुलाम अली खां को भी गाना पड़ा। अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी और लता जी को भी एक गाने के 500 से 1,000 रुपये तक की फ़ीस मिलती थी। आसिफ में बला की जिद तो थी ही, वो बेहद बारीकी से काम करते थे। जोधा बाई की ड्रेस को उन्होंने हैदराबाद के सालारगंज म्यूजियम से उधार लिया था। फिल्म के शीश महल वाले सेट को बनने में पूरे 2 बरस लगे कि आसिफ के दिमाग में जयपुर के आमेर के किले में बना शीश महल था। वो हूबहू वैसा ही शीश महल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनको भारत में रंगीन शीशे की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर में ये शीशे बेल्जियम से बहुत महंगी रकम चुकाकर मंगवाए गए। इसके पीछे भी कहानी है कि ईद के मौके पर फिल्म के निर्माता शाहपुर जी पलौंजी मिस्त्री की आसिफ के घर ईदी लेकर गए। वो चांदी की ट्रे पर कुछ सोने के सिक्के और तकरीबन 1,00,000 रुपए लेकर गए थे। आसिफ ने पैसे उठाकर शाहपुर जी मिस्त्री को वापस करते हुए कहा कि इन पैसों से मेरे शीश महल के रंगीन शीशे बेल्जियम से मंगवा दीजिए। आसिफ लगातार फिल्म में वक्त लगा रहे थे और बजट भी बढ़ता ही जा रहा था। उधर शीश महल का सेट तैयार हो चुका था। भारत में उस वक्त कलर फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन के आसिफ जिद पर अड़ गए कि शीश महल में प्यार किया तो डरना क्या, ये गीत रंगीन होना चाहिए। उन्होंने अपनी जिद भी पूरी की और उस जमाने में जब टेक्निकलर फिल्में नहीं बनती थी, उस वक्त उन्होंने हॉलीवुड टेक्नीशियंस की मदद से सिर्फ फिल्म के एक गाने को रंगीन बनवाया। एक गाने के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत की पहली रंगीन फिल्म मानी जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक गाना रंगीन होने की वजह से और बाकी पूरी फिल्म के ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से इसे कलर फिल्म नहीं माना जाता। शाहपुर जी मिस्त्री इस बात से नाराज थे और डायरेक्टर बदलने की सोच कर दूसरे डायरेक्टर शोराब मोदी के साथ लेकर वो सेट पर पहुंचे। कि आसिफ ने कहा कि ये गाना मैं ही डायरेक्ट करूंगा, किसी की हिम्मत हो तो मुझे हटाकर दिखाए, अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। शाहपुर जी मुस्कराए और जुनूनी डायरेक्टर के आसिफ के चेहरे की तरफ उन्होंने देखा और वापस लौट गए। इसके बाद उन्होंने बजट और टाइम के लिए कभी के आसिफ को नहीं टोका, क्योंकि वो जान गए थे कि आसिफ के लिए ये फिल्म भर नहीं है बल्कि ये उनका सपना है जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर देने की हालत में है। दुनिया भर में ये फिल्म आने से पहले ही चर्चित हो गई थी। फिल्म की शूटिंग देखने चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, फैज़ अहमद फैज जैसे नामचीन लोगों के साथ, इटली के मशहूर डायरेक्टर रॉबर्टो रोजलिनी, इंग्लैंड के मशहूर डायरेक्टर डेविड लीन इस फिल्म की शूटिंग देखने आया करते थे। एक बार बढ़ते हुए बजट को देखकर शाहपुर जी पलौंजी मिस्त्री फिर से नाराज हुए, लेकिन जब नौशाद साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप इनको बदल क्यों नहीं देते हैं, अपने डायरेक्टर के आसिफ को बदल क्यों नहीं देते हैं, तब शाहपुर जी मिस्त्री ने कहा कि मैं इस आदमी को बदलना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ये आदमी हमेशा चटाई पर सोता है, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इतने साल बीत जाने में कई कई बार बदले, लेकिन इस आदमी ने कभी अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलवाया, हमेशा किराए के मकान और चटाई पर सोकर अपना काम चलाया, हमेशा टैक्सी से सेट पर पहुंचा, इसलिए मैं इस आदमी को बदल नहीं पाता हूं। अब उनका जुनून रंग लाने लगा था। इस फिल्म का गाना ए मोहब्बत जिंदाबाद, इसमें कोरस पार्ट में नौशाद ने 100 म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया। फिल्म कई बारी गड़बड़ियों के साथ भी संबंध रखती है, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाते। जैसे एक शॉट में मुगल सेना एक रास्ते से चलकर किले में प्रवेश करती है, वो एक पक्की सड़क है, पर उस वक्त ढामर का आविष्कार ही नहीं हुआ था। दूसरी तरफ प्यार किया तो डरना क्या का सेट जिस तरह का था, वास्तव में उस तरह के तो मुगल महारानियों के गुसल खाने हुआ करते थे। वहीं ऐतिहासिक अकबर जहांगीर की लड़ाई का कारण अनारकली नहीं थी और सलीम उर्फ जहांगीर जिस तरह का सरल शहजादा और बादशाह बताया गया वैसा नहीं था। जहांगीर एक क्रूर बादशाह था और शराब नोश शहजादा था।
फिल्म का गीत तेरी महफिल में किस्मत आज पाकर हम भी देखेंगे शब्दों की कारीगरी में प्रश्न और उत्तर की महानता की सीमा लांघने वाला गीत है। वहीं जब रात है ऐसी मतवाली जैसा मधुर गीत सिचुएशन के साथ न्याय करता है और फिल्म ना देखने वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से एक अलग एहसास के साथ सुनाई देता है। बेदाग मोहब्बत में सब कुछ हार कर जाने वाली अनारकली के दर्द को आकार देने वाला गीत उठो हमारा सलाम ले लो मोहब्बत के अदब और त्याग को एक साथ सिमेट देता है। इस फिल्म का एक मजबूत पुर्जा है इसके कालजयी डायलॉग जो कमाल की उर्दू से सजे हैं। शायद ही किसी फिल्म से पहले और आज तक ऐसे डायलॉग लिखे गए हों जो मर्म को शब्दों की हैसियत सिखाते हैं। डायलॉग्स लिखे थे तीन मशहूर संवाद लेखकों ने, पहले वजाहत मिर्जा, दूसरे जीनत अमान के पिता अमानुल्ला और एहसान रिजवी। एक सीन था अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाए जाने का, जिसमें अकबर अनारकली से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और अनारकली कहती है कि वो एक दिन के लिए मलकाए आलम बनना चाहती है। आसिफ ने अपने डायलॉग राइटर्स से पूछा कि सजा के बदले अनारकली क्या कहेगी। अमानुल्ला और एहसान रिजवी ने अपने जो डायलॉग उन्होंने लिखे थे वो उनको पढ़कर सुनाए। अब बारी थी वजाहत मिर्जा की। पान थूक कर वजाहत मिर्जा बोले कि ये डायलॉग्स बकवास हैं, अनारकली इतने बड़े डायलॉग नहीं बोलेगी, वो सिर्फ ये कहेगी कि शहनशाह की इन बेहिसाब बख्शीशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ये खून माफ़ करती हैं। मिर्जा रुक के और आसिफ ने दौड़ कर उन्हें गले लगा लिया। बाकी राइटर्स ने अपने डायलॉग्स फाड़ कर फेंक दिए। इसके अलावा दरबार में युद्धबंदी के रूप में पेश किए जाने पर अकबर और सलीम के बीच के असरदार संवाद आपको बांध लेते हैं। जब अकबर कहते हैं, मुलजिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, हम तुम्हारी नादानियां और नाफरमानियां माफ कर सकते हैं, तुम एक बार फिर हमारे अजीज बन सकते हो, बशर्ते कि अनारकली हमें वापस कर दो ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में तड़पते उन नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो समा के ऊपर निसार हो जाते हैं, फूलों पर मंडलाते उस भंवरे को भी सजा देनी चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, और नदी के मचलते उस पानी को भी सजा देनी चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान मिटा देता है। हम दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें नहीं सुनना चाहते, हम अनारकली चाहते हैं, और अनारकली मैं देना नहीं चाहता। नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शानो तख्तताज से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। वो तख्त जिसके पाए अनारकली के जनाजे पटिके हों, वो ताज जिसकी कलगी में मेरा ही दिल पैबस, तो मुझे मंजूर नहीं। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नजायज फायदा उठाया और मुल्जिम अनारकली को अदालत औलिया के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मा बदौलत ये अदालत मुल्जिम अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए तुम्हें सजाए मौत देती है। आपको मेरी आवाज में ये डायलॉग्स कैसे लगे होंगे, पर ये असरदार डायलॉग्स आपको बांध लेते हैं कि आसिफ की मुगले आजम इतनी शानदार भव्यता अपने अंदर समेटे हुए हैं कि उस वक्त जब ये बनी तब ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सलीम और अकबर के बीच दिखाए गए युद्ध के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। इस युद्ध दृश्य में भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट के 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 भारतीय जवानों के साथ शूट किया गया। फिल्म सिर्फ अनारकली और सलीम की अधूरी मोहब्बत की दास्तां नहीं है, बल्कि मधुबाला और दिलीप कुमार की नाकाम मोहब्बत फिल्म में दोनों के चेहरों पर नजर आती है। फिल्म की 10 साल लंबी शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते बिगड़े। दिलीप चाहते थे कि मधुबाला उनसे शादी कर लें, पर अपने पिता के आगे मजबूर मधुबाला बीच रास्ते से वापस लौटने लगी। फिल्म के एक सीन में दिलीप साहब मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं। अब वो एक एक्टर ही नहीं, एक जख्मी आशिक भी थे। उन्होंने मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि पूरे सेट पर खामोशी छा गई। लोगों ने सोचा मधुबाला अब इस फिल्म में काम नहीं करेंगी, वो वॉकआउट कर जाएंगी। कि आसिफ मधुबाला के पास गए और कहा, उसने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है वो साबित करता है कि वो आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मधुबाला मान गई और शूटिंग फिर शुरू हो पाई। कि आसिफ हर मसले को सुलझा ही लेते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच अंतरंग दृश्यों को लेकर एक समस्या आ रही थी। दरअसल मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मधुबाला के साथ हमेशा सेट पर मौजूद रहते थे और किसी भी रोमांटिक सीन में वो अड़ंगा डाल देते थे। साथ ही मधुबाला भी उनकी उपस्थिति से असहज हो जाया करती थी।
कि आसिफ ने इसका एक बड़ा नायाब उपाय सोचा। आसिफ को ये पता था कि अताउल्ला रमी खेलने के शौकीन है। आसिफ ने अपने पब्लिसिस्ट तारकनाथ गांधी को कुछ हज़ार रुपये थमा दिए और कहा, आज से आपको रोज़ अताउल्ला खान साहब के साथ ताश खेलनी होगी और जानबूझकर बार बार आपको हारना पड़ेगा। तरीका काम कर गया था। खान साहब रमी में उलझे होते थे। उस वक्त फिल्म के रोमांटिक सीन फिल्माए जाते थे। संघर्ष के तपते हुए रेगिस्तान से गुजरते हुए बार बार झुलसे पैरों के साथ 16 बरस का सफ़र ख़त्म हो रहा था। मुगले आज़म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। हिंदुस्तान और दीगर पूरा विश्व इस अजीब शान फिल्म का इंतज़ार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ के आसिफ को उनकी पहली पत्नी जानी मानी कत्थक नृत्यांगना सितारा देवी, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की देवी भी कहा था, उनकी मोहब्बत की बददुआ लगने वाली थी। दरअसल फिल्म में एक दिलजली का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निगार के साथ आसिफ ने शादी कर ली। दोनों फिल्म के दौरान ही करीब आ गए थे कि आसिफ की पहली पत्नी सितारा देवी ने निगार को तो कबूल कर लिया और उनके बच्चों को भी अपना मान लिया, पर के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन अख्तर से तीसरा निकाह किया और सबको चौंका दिया। सितारा देवी के सब्र का बांध टूट गया। वो घर छोड़कर चली गई और जाते जाते कह गई, आसिफ तुम बेमौत मरोगे। वो दिन आया जब 1100 लोग फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। फिल्म की रील हाथी पर रखकर मराठा मंदिर सिनेमा लाई गई। फिल्म ने सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। 1.5 करोड़ की लागत से बनी मुगले आजम ने 6 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, पर सितारा देवी की बददुआ आसिफ के पीछे पड़ गई। वो जुनूनी के आसिफ जिसने इस फिल्म पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आसिफ अपनी फिल्म की शोहरत को देखने के लिए बहुत समय जिंदा नहीं रहे। 48 साल की उम्र में 9 मार्च 1971 को वो दुनिया से अलविदा कह गए। ये फिल्म से ज़्यादा उनके जुनून की कहानी है। ये फिल्म और इसे बनाने वाले के आसिफ दोनों ही में मोहब्बत थी, एक सलीम अनारकली की मोहब्बत और दूसरी इस शाहकार को बनाने वाले की अपने काम के लिए मोहब्बत। दोबारा कभी मुगले आज़म नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि दोबारा कभी के आसिफ सा कोई पैदा नहीं होगा। मोहब्बत करने वालों का बस इतना है अफसाना, तड़पना, आह भरना, घुट के मर जाना। इस तरह की किस्से कहानियां हम आपको पहले सुनाते रहे हैं और आगे सुनाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और इस किस्से को, इस कहानी को अपने लोगों के साथ साझा करने की, शेयर करने की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।